अच्छा दिखने वाला। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा ना, क्योंकि हमने ब्लॉग शुरू कर दिया है। ठीक है, और मैं तो क्या सोच रहा था, रिश्वत भैया ने आज कर दिया मैं भी कर दूं। तो मैं क्या बोल रहा था कि दीदी को ना रिकॉर्डिंग में शुरू करना था। हनी है किधर? हनी ये रहा सामने। हनी यस, देखो तो इधर। और ये हमारी तैयारी हो चुकी है। और पर्दा भाई साहब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम गाना गाते हैं ना तो इको बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम पर्दा लगा ले तो वो ना ढक लेता है आवाज को, इसीलिए ढक लेता है आवाज को। और मैं यहाँ पे हूँ और हम अभी रिकॉर्डिंग चालू करने वाले। ठीक है सर, खाना खा के आते थोड़ा सा। ठीक है जाइए, आ जाइएगा टाइम। हनी हमारा ड्राइवर है, हनी हमारा कारपेंटर है, हनी हमारा सब कुछ है। मेरे को 0 फ्लोर पे जाना पड़ेगा इसको छोड़ने के लिए, मैं उठा के ले आया था इसको बिना किसी से पूछे। ठीक है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमने उठाया था? मेरे भाई लोग कुछ भी बोलते हैं और हंसते रहते हैं, दिन भर सिर्फ हंसते ही रहते हैं। तो अभी मैं चुनूंगी कि मुझे कौन सा सूट पहनना है, तो बस तैयारी करते हैं। अभी हम गए थे सामान लाने के लिए राशन का, जब 1000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग होती है तो एक 5 वाला चिप्स मिलता है। भैया ने वो 3 चिप्स दिया हम तीनों भाई बहन के लिए। सच्ची में सिस्टम सेट करके रखता है भैया जगह पे। कितने अच्छे भैया है, तेरा सिस्टम क्या है इसमें? सिस्टम पता चला है। हां देखो व्लॉग में आने के लिए कैसे कर लिया हमें, ये काट दो भैया, पार्ट काट दूंगा। नहीं मम्मी, हम जब भी जाते हैं ना, ऐसे के मूड में हूं मैं, जब भी जाते हैं ना हम राशन के सामान लाने, तो हम पर्टिकुलर अमाउंट का शॉपिंग करने के बाद 5 रुपए के चिप्स फ्री में देते हैं। आपको भी गए शॉपिंग करने? ये मजदूरी वाला काम सिर्फ हनी और मैं करते हैं। नहीं, कभी कभी जाती हूँ ना। चलिए अब हम करते हैं तैयारी शुरू। वाह, व्लॉग बनाना कितना बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है ना कि वाह। और ये मेरा फेवरेट कैमरा है जो मैं अपने उस घर से लेके इस घर में आ गई हूँ, अब मैं इससे व्लॉग बनाना शुरू करूंगी। कपड़ा दे दो ना, फिर जाके व्लॉग बनाना। तो नंगा पुंगा रहता क्यों है फिर? अरे जी, मैं ड्रेस चेंज किया ना, कुर्ता पजामा पहना था रिकॉर्डिंग के लिए। तो गाइस हमारा रिकॉर्डिंग खत्म हो चुका है और पाँव में घुरमी लगी यार, तो वीडियो बना रहा है यार। पाँव में घुरमी लगना को क्या बोलते हैं सली? अरे पाँव क्या, अरे सही में क्या बोलते हैं मेरे, मैंने तो यही सुना है बचपन। पाँव सो गया, पाँव सो गया भाई। तो पाँव सो गया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माय फुट इज स्लीपिंग। छी, हाथ नहीं में यार। अरे कोई कुछ नहीं होता, पर्दा हटा। नहीं 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 नहीं। तो दीदी कल होली है, छोटी होली है, परसों बड़ी होली है, क्या प्लान है, कुछ प्लान है क्या? अरे हाँ, कल होली है गाइस, कुछ तो बनाएंगे बढ़िया खाने पीने के लिए। खाना ही पीना बनेगा, खाने पीने तो जबरदस्त बनाएंगे। मैं गुब्बारा खरीद लिया हूँ। ये क्या कर रहा है, आज से गुब्बारे पानी भर के फेंक रहा है नीचे? कोई देख लिया ना तो इतना मार मारेगा तेरे को। नहीं, कल कैसे पीटेगा वो, ये भी नहीं सोचेगा कि तू तो ऋषभ ठाकुर द ग्रेट ब्लॉगर का भाई है। अरे अच्छा, तो मैं अपना परिचय दे दूंगा उसको। कैसे हंसता अजीब तरीके से, अपना परिचय देगा तो और ज्यादा मारेगा इसको। वाह क्या लेम बात कही है मैंने, वाह। तो दोस्तों होली आने वाली है तो अब खाना बनना शुरू हो चुका है धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मम्मी ने ट्राई किया है इमली की चटनी। ये वो गोलगप्पे का जो रेड वाला चटनी होता है वो लग रहा है। हाँ लेकिन ये थोड़ा हाई क्वालिटी वाला है, हमारी मम्मी ने बनाया है। मम्मी ने ना काजू करने के लिए क्या किया, मिक्सी में डाला और एक ही राउंड आया पूरा चूरा ही हो गया इसका। इतना काजू तो वेस्ट हो गया, दूध में डाल के पीना पड़ेगा इसको ताकि ये वेस्ट ना हो। और कल का भी बहुत प्लान है घर में, बहुत कुछ बनने वाला है, मुझे भी नहीं पता मम्मी क्या क्या बनाने वाली है। और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही चटनी में से, थोड़ा टेस्ट करते हैं इसको। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट, नमस्कार नहीं, नमस्कार, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह से ही घर में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और जब आके देखा मैंने तो मम्मी बहुत सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी खाना बना रही है। मम्मी से ही जानते हैं कि मम्मी आज क्या क्या बना रही है। तो मम्मी जी आप क्या बना रहे हैं आज? ये कांजी बड़ा बना रही हूँ मैं। वाह मम्मी, मुझे तो कांजी बड़म सुनाई दिया, ये कांजी बड़म। कांजी बड़ा बड़ा खाओगी तो देखना कैसा लगेगा। मैंने तो आज तक टेस्ट भी नहीं किया कैसा। तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ। और ये गाइस देखिए, ये मम्मी कहाँ गए, इधर नहीं है, कहाँ गए? कांजी किधर है? कांजी भूख में डाली है।
कुछ कुछ तो मम्मी बना रही है सुबह से। ये रहा इसका पानी, इसमें मम्मी वो बॉल्स डालेंगी। भाई इसमें बॉल्स नहीं डालेगी, ये डालेगी मम्मी बड़े में। लेकिन जो हो जाए मम्मी, ये बात तो मानना पड़ेगा कि चाय की बात ही अलग है। चाय बनाया जाए तो हाथ में डाल, मजा आ जाएगा जब चाय बन गया। मेरी मम्मी इतनी क्यूट लग रही है ना। और ये तो देखो, मम्मी के लिए हमने नया नया ज्वेलरी खरीदा था, कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मी का चेन देखो। ये सब जो तुम लोग इतना लेट उठी हो ना, उसका पॉलिसी मैं बताती हूँ। घड़ी में टाइम भी तो दिखाती हूँ। मम्मी आज भी चले आपको एक छोटा सा झुमका खरीद देते हैं, छोटा सा। होली का दहन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पिताजी। और आप इतने पास बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए, आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। अरे मैं क्या बोला था कि अभी आज छोटी होली है, ठीक है, तो किसी को भी बांधने नहीं आता बैलून, तो मैं सबको बांधते जा रहा हूँ। और हमारे उन लोग के साथ लफड़ा हो चुका है भाई। लेकिन तू है कौन? मैं हाँ, तो समझ ही नहीं आ रहा तू है कौन, कैसे भूत बन गया एकदम। तो अभी मेरा मैटर अभी जब क्लोज हो जाएगा तब मैं घर पे आऊंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा। खौफ देख रहे हो गाइस, इतने सारे बच्चे थे, एक ने भी पानी नहीं फेंका मेरे ऊपर, दबदबा बोलते हैं इसको। मम्मी कुछ तो बात है आप में, आपने इतनी कांचोर लड़की को भी काम पे लगा दिया, वाव, ह्यूज रिस्पेक्ट। इसे देख के लग रही ना कैसे तगड़ी बॉडी है मेरी। इस फोन में तो मैं भी बहुत बड़ी लगती हूँ, लोग बोला करते हैं। अब देख कितनी तगड़ी बॉडी है। मम्मी एक एक कप चाय हो जाए। कभी जिंदगी में नहीं बोली थी मुझे चाय पीना है। चलिए छोटू, दो कप चाय, ठीक है, थोड़ी चीनी कम डालिएगा, पत्ती ज्यादा डालिएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्या था वो पंजाब में बोलते थे भैया, चीनी रोक के पत्ती ठोक के, पत्ती रोक के चीनी, अच्छा चीनी रोक के पत्ती ठोक के। आ गया है कांजी, अब मम्मी बताएगी क्या क्या करना है इसमें। अच्छा हनी तू सही कह रहा था, इसको डालना है इसमें, कुछ हो या ना हो मतलब थोड़ा ठीक नहीं बना ना, निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, गुड गुड गुड। इतनी मेहनत कैसे वेस्ट जाने देंगे। गाइस देखो दीदी का एड आ रहा है यूट्यूब पे, वाव कैसी लग रही है भाई। मुझसे इतना ना जबरदस्ती, मतलब डांस करने के लिए ना बहुत शर्मा रहे थे, ये देख देख कांजी बड़ा बन रहा है, मम्मी ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो कोई जज मत करना गाइस। अच्छा बनाया ना। तो दोस्तों बन चुका है हमारा, बन चुका है नहीं, मतलब मम्मी ने जितना बोला था उतना तो कर दिए हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। कांजी वड़ा ये कल और मजा आएगा खाने में, जितना ये पानी में लीक होगा। थोड़ा इसका पानी टेस्ट करूं मैं, नमक कम है तो मम्मी इतना रिस्क। अब क्या ही हो जाएगा, नमक कम ज्यादा हो गया तो नमक डाल सकता है इसमें, ज्यादा हो गया तो नहीं, तब तो मैं बताते क्या करते हैं, पानी डाल देंगे और आटा गूंदो। अबे यार ये तू टीवी सीरियल देखना छोड़ दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा नमक खींच रहता है। देखो 2:30 बज गए, सुबह 9:30 बजे गया था ये, और इसको देखो भूत बन गया बिल्कुल, शक्ल तो दिखा एक बार। यार लाइफ के असली मजे यही ले रहा है बस। तो चलिए मिलते हैं हमारे छोटे भाई से। कैसा लग रहा है एकदम? बहुत अच्छा लग रहा होगा, स्मार्ट। तो मैं आपको एक नया लफड़ा हो गया था मेरे साथ, मैटर हो गया था। क्या मैटर हो गया था? तो क्या हुआ कि दूसरे अपार्टमेंट के बच्चे थे, वो ना बेकार के बैलून फेंक रहे थे हमारे ऊपर, और हमें पता चल गया कि दूसरे अपार्टमेंट के साथ हमारे साथ लफड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया कि मैं सबको भड़का दिया कि अरे तेरे को ऐसा कुछ ऐसा बोल रहा है कोई, इसको तू ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग चले गए दूसरे अपार्टमेंट के लिए, तो गार्ड अंकल ने मैटर होने से बचा लिया, वरना तो आज इतना जोर से लड़ाई होने वाला। दोस्तों मैं, मम्मी और मेरा भाई निकल चुके हैं घर से बाहर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मी? कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, वहाँ से कांच के बर्तन उठा के लाने, क्योंकि आज मम्मी जो जो इमली का चटनी वगैरह बना रही है तो उसको स्टोर करने के लिए इस घर में बर्तन नहीं है, तो वहाँ से ले आएंगे। और मम्मी को कुल्फी खाना है, कुल्फी खिलाएंगे मम्मी को,
उसके बाद मम्मी का सूट एक टेलर को दिए थे, उनसे वो सूट ले लेंगे। लोग ये फालतू काम करने, हम बस बाहर निकलने का फालतू लग रहा है। बस बहाना चाहिए था बाहर देखने का, ये पेड़ पत्ते, तो हम निकल गए हैं रोड पे, है ना। आज मौसम भी बहुत अच्छा, मौसम तो सच्ची में आज सुबह से बहुत अच्छा है, कोई गर्मी नहीं है, कोई धूप नहीं है, बहुत सुहाना मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आहा। यस, ऋषभ का एक अपडेट देती हूँ मैं आप सभी को। ये थोड़ा सा इसके बॉडी पे अगर ध्यान देंगे तो ये पागल है। तो ये अपडेट है कि ये यहाँ से ये थोड़ा सा नहीं, नहीं। पापा जैसे होते जा रहे हैं। मैं और हनी ना एक ही साथ जर्नी शुरू किए थे 3 साल पहले या 2 साल पहले शायद, कि खा पी के वजन बढ़ाना है। हनी बहुत पतला था, मैं तो पतली थी ही, या शायद अब ज्यादा हो गई हूँ पता नहीं। तो हनी तो वजन बढ़ा पाया लेकिन मैं, और ये अब मेरा बड़ा भाई लगता है, मैं इसकी छोटी बहन। मम्मी दिखाओ तो आप अपना नया गहना जो आप खरीदे थे। फोकस मार, मम्मी बोल रही थी इस पे फोकस मार देना। मैं इतनी इम्प्रेस हूँ आज हनी तुझसे, वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये एक आर्ट है कि आलू सारे अच्छे होंगे। इतना बढ़िया मौसम है ना कि मजा आ रहा है घूमने फिरने में। आज मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, वही मिर्ची गोलगप्पे में ना सिर्फ मिर्ची डाल के इंसान खा रहा था, तो मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर गया। क्या हम खा सकते हैं? नहीं। वाह 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 वाह, कितना मस्त बारिश। गोलगप्पे? Which one? आटा सूजी। कड़क कौन सा होता है? तो सूजी ले ले। एक प्लेट में कितना था मम्मी? 4 पीस शायद। नहीं, एक में 6 आना चाहिए। आजकल इतने सुंदर सुंदर डॉगीज होते हैं ना जो रोड पे घूम रहे होते हैं, अब क्या बताऊं मम्मी मैं। प्यारा 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 डॉगी होता है ना ये, देखो। मम्मी कितने स्वैग में फोन लगाती है। मम्मी आप कितने सुंदर लग रहे हो मम्मी, आपको पता है कलर आप इतना अच्छा लगता है मम्मी। तो होली के उपलक्ष्य में मम्मी बना रही है हमारे लिए दही बड़ा, ठीक है। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है, आज होली है, छोटा होली है, बहुत मजा आ रहा है आपको? अरे ये व्हाइट कलर का घोल इसमें डालते हो और ये येलो बन के निकलता है, पानी में डालने से। अच्छा ठीक है भैया, दीदी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अब इसको हमको कस्टर्ड के तंगू। ओह कस्टर्ड, अच्छा। यस यस माय चाइल्ड, बिसाइड गेले आरे में कति कति करो कर रही छी। मम्मी यस माय चाइल्ड कौन सिखाया आपको? हम खुद ही किए, ये मेरा है। मम्मी और फिर से पढ़ गई। तो दोस्तों अभी देखो कस्टर्ड बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चाय बन रहा है, दीदी कस्टर्ड का पाउडर बना रही है, क्या बोलते हैं घोल बना रही है। और मेरा बाल मुझे नहीं पता कि पता नहीं कैसे सेट होगा, कब सेट होगा, और मेरा बाल तो भाई पता नहीं अजीब सही हो गया। मम्मी यार गुजिया बनाओ ना यार, ये सब छोटा छोटा चीज तो मैं भी बना लेता, गुजिया मालपुआ बनाओ तो माने आपको। अरे होली में सुना नहीं है जकी का जो पिरिकिया बन ले गुजिया, गुजिया पूरा दुनिया बनाता है आजकल के नौ लोग स्टाइल करा देते हैं। गांव घर में क्या बनता था फिर? गांव घर में पूरी मलपुआ दही बना, चलो मलपुआ बना दो, ये सब चीज बनता है, मलपुआ बना दो, खीर पूरी ये सब बनाओ। आले सारा तो मम्मी बना दे रही है, नया नया तेरी बीवी बनाकर तुम तो खिलाएगी सुबह हम अपने खाते।